Hello, ma'am. Good Yes, evening. thank you so much, sir, for joining us. Namaste. Thank you, ma'am. Namaste. So, can you share your journey of Ameda with us? What was your state before Ameda, and after joining Ameda, what all changes you felt in your energy level, in your other problems which you were facing? What was your changes? एक्चुअली मैं अपना अमेरिका का जर्नी मैंने बोलने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई सज्जन थे, वो मैसेज कर रहे थे। वो तो सबने देखे होंगे कि कोई कोर्स आने वाला है कि क्या है, कोई सज्जन बोल रहे थे। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बचपन से ही हमारा दिमाग ऐसे कंडीशन हुआ है टू एक्सेप्ट द नेगेटिव थिंग्स ऑलवेज। तो मैं कोई अलग नहीं हूँ या ना ही कोई मैं बड़ा आदमी हूँ, तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सबके साथ है। तो भगवान का हिसाब से या तो सभी कुछ मिराकिल है या सभी कुछ रियलिटी है। तो कुछ रियलिटी और कुछ मिराकिल भगवान ने तो नहीं बनाया था। तो इसलिए हम अगर कुछ चीज नहीं जानते हैं तो हमारा दिमाग उसमें खाली रखना चाहिए उतना तक कि हम इसको देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। क्योंकि लगभग ये होता है, हमारा दिमाग हमेशा ना कर देता है कुछ चीज को। सो ज्यादा इस बारे में बोलूंगा नहीं, बाकी सब माने एक्सपीरियंस्ड एंड एजेड लोग हैं और सभी माने अपने बच्चों को ये सब सीख देते होंगे। तो हम अगर पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी पॉजिटिव ही रहेंगे, इसमें कोई दोरा नहीं हो सकता। तो अमेरिका से पहले मैं भी वही स्केप्टिकल था, क्या करें क्या नहीं करें। सो जनरली मैं मेरे मम्मी के लिए कोर्स लिया था डायबिटीज का, तो उसमें सब ओल्डर एज के सब मतलब पार्टिसिपेंट थे, लेकिन मैं उसी में अपने आप को उसमें ढाल के, मेरा एज उतना नहीं है, आई एम 46 इयर्स राइट नाउ। तो मैंने देखा मैं जो करना करना है मेरे को 70 में, तो 70 में मेरे को पेन हो रहा होगा, मैं पेन को रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा। लेकिन मैं अगर 46 में इफ आई एम ऑलराइट, तो अगर मैं करूंगा तो जो स्वामी जी बोले कुंभक का जो भी है मतलब उसका मैकेनिज्म, उसके बारे में मैं बहुत स्टडी किया एंड आई फाउंड इट दैट इट इज द अल्टीमेट। मतलब उसके कुंभक के बाद और कुछ है ही नहीं। हाँ, ये ज्यादा क्या नहीं हुआ है, मैंने मार्केटिंग नहीं हुआ है वो अलग बात है, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल पे आपको ये पता चल ही जाएगा, इसके बाद और कुछ है ही नहीं। क्योंकि आपका जो CO2 टॉलरेंस है, नाइट्रिक ऑक्साइड टॉलरेंस है, ये कुंभक से ही होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई कोई स्विमिंग में भी 20 मिनट पानी में रह लेते हैं, लेकिन हमको आधा मिनट भी नहीं होता है। तो ये सब कुंभक से पॉसिबल हो सकता है और ये हम जो भी ये कोर्स कर चुके हैं ये हो सकता है। बाकी जो स्विमिंग डिफरेंसेस है, मैं अराउंड 1-1.5 महीने के अंदर आई लूज अराउंड 5.5 kg ऑफ वेट। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, क्योंकि काफी साल तक मैंने लास्ट 10 साल थे मेरा एज का कुछ हो ही नहीं रहा था। आई वाज 76 फॉर अराउंड 10 इयर्स, तो उसके बाद मुझे नहीं लग रहा था इसमें कुछ चेंजेस होगा, तो ये तुरंत हो गया। और स्वामी जी का जो एक्सप्लेनेशन है जो भी है वो एकदम अल्टीमेट है, तो इसलिए हमको डाउट हो सकता है क्योंकि ये बाकी तो कोई नहीं बोल रहा है इसके बारे में, तो ये सच हो सकता है गलत हो सकता है। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा इसको एक बार टेस्ट करें, क्योंकि ये पेन जिसके अंदर है ये मैंने कम कर देता है। बाकी और एक चीज है, हमारा मेन जो प्रॉब्लम होता है एज के साथ आफ्टर 40 आई कैन से, कि हमारा बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसमें क्या होता है हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। वो मेरे साथ भी हो सकता था, मेरे को लगता था मैं ऑफिस जाता हूँ 10 से 6 का जॉब करता हूँ, सुबह क्यों जल्दी उठूं, शाम को क्यों दूसरा काम करूं, तो एक माइंडसेट हो गया था। उसके बाद अमेरिका करने के बाद मेरे को लगा मेरे को कुछ करना चाहिए। मैंने एक बच्चा जैसे होता है ना, आप उसको 18 घंटा खेलने के लिए दे दो उसको कम लगेगा, बाकी मैं 2 घंटा मम्मी खेलूंगा, और इफ ही इज लाइक अवेक, तो ऐसा ही होता था। तो ये था अवेक स्टेट में ये एक अजीब चमत्कार टाइप हुआ मेरे साथ, कि मेरे को जल्दी नींद टूट गया, और नींद टूटने के टाइम पे मैं जो कर नहीं पाता था, मेरे जो गोल थे लाइक कुछ एक्सरसाइज करूंगा, ये तो अमेरिका के साथ ही हो गया, एक माने डबल एडवांटेज हो गया। मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना चाहता था, वो भी हो गया क्योंकि मेरे पास टाइम था। और शाम को आने के बाद एक्चुअली मैं चिड़चिड़ा सा पहले था,
ये करो वो करो, इसको ट्यूशन से बच्चा को लाओ, कोई जो भी काम करो, तो मैं ये एक अजीब चेंजेस हुआ एनर्जी में, आपका एक अजीब चेंजेस आएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा कुछ करने के लिए तो करना बुरा नहीं है, अगर हम कुछ ना करके बैठ जाएंगे वो हमको लगता है कि हमको अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं होता है। कुछ करेंगे और उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो एक फ्लो स्टेट होता है और वही अच्छा ही है। तो आपको एक अजीब सा एनर्जी में चेंजेस आएगा, वेट लॉस तो होगा, बाकी और एक मैंने चेंजेस हुआ जो और किसी के साथ हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, मतलब होना चाहिए। तो जो मेरे को सोने में जो टाइम लगता था आधा घंटा से एक घंटा 45 मिनट तक सोने में ही टाइम ले जाता, कैसे सोए उसके बारे में हम सोचते हैं, तो जो भी सोचते थे इधर उधर का ख्याल, दिन भर का ख्याल आता था तो क्या रहता था ना, मतलब नींद आने के लिए भी 45 मिनट लगाना पड़ता था। तो इसमें क्या हुआ, आप एकदम से बेड में गए आराम से, मतलब विद इन 3 to 5 मिनट्स नींद आ जाता था, ये एक मिरेकल टाइप मेरे साथ हुआ मैं बोल सकता हूँ। तो बाकी तो अंदर का चीज हमको दिखा नहीं, ना ही हमने कोई मैंने मेडिकल टेस्ट करवाया था या फिर मैंने ज्वाइन करने से पहले या उसके बाद। बाकी जो ऑफिस में डेफिनेटली जो कलीग्स थे वो मतलब बहुत सवाल पूछे, क्या हो रहा है, पेट अंदर जा रहा है, और मतलब मुंह में एक चमक सा आता था, वो चमक मतलब कॉम्प्लेक्शन में आया था ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हम जो बैठते हैं, हम जो चलते हैं, हम जो बात करते हैं, वो जो एकदम पोस्चर है वो एकदम चेंज हो जाता है, तो वो चेंज होता है तो वो सबको पता लगता है। तो मैं हमेशा कहूंगा कि ये एक अल्टीमेट थिंग है, सबको एक बार कम से कम इसमें आना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच राकेश सर फॉर शेयरिंग योर जर्नी ऑफ अमेधा।